30 सुपर यानी आनंद कुमार, और आनंद कुमार जब अवंतिका यूनिवर्सिटी में आते हैं तो ऐसे कई उज्जवल भविष्य बच्चों का सुनहरा कर देते हैं, क्योंकि कई बच्चों में 12th पास होने के बाद फ्यूचर कैसे चुने, कहाँ एडमिशन ले, उसके लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सर, किस प्रकार बच्चों का भविष्य उज्जवल करते हैं? बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर उज्जैन में अवंतिका यूनिवर्सिटी ने ये मुहिम चलाया है कि जो बच्चे कंफ्यूज हैं लेकिन उनमें प्रतिभा है, उनको बुलाना, उनको समझाना, उनका टेस्ट लेना और ज़रूरतमंद टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप दे के आगे बढ़ाना, इसमें मेरा जितना भी सहयोग होता है ज़रूर करते हैं। सर, कहीं ना कहीं जो बच्चों को आप टिप्स देते हैं वो विस्तार में उसके दर्शक भी हैं, जो बच्चे गरीब तबके के हैं, जो एडमिशन नहीं ले पाते, उनको किस प्रकार आप 3 टिप्स देंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि लगातार मेहनत करते रहिए, समस्याएं आते रहेंगी, आपको हतोत्साहित करेगी, लेकिन आप अपना उत्साह बनाए रखिए। तो मेहनत सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरी बड़ी बात है कि हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, कभी भी निराश मत होइए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अपना पेशेंस मत खोइए। बहुत बार आप पॉजिटिव हो करके मेहनत करते लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती है कि आप पेशेंस लूज कर देते, वहीं आपकी हार हो जाती है। सर, आपकी मुहिम रंग ला रही है, आज तो आनंद कुमार जी ने भी उस प्रेरणा को, आपका जो विचार है कि एक बच्चा आएगा, एडमिशन लेगा, वो पौधा लगाएगा। हर साल अगर एक बच्चा एक पौधा लगाता है तो देखिए उसके जीवन काल में वो कितने सारे पौधे लगाता है, और इसी तरह हर बच्चा अगर ये अपना लेता है पौधे लगाने की आदत, तो अपना जो भारत है, एक सुनहरा भारत जिसे बोलते हैं, वो भविष्य में बदलने में ज़्यादा दिन नहीं लगे। कोई भी बच्चा हो उसका भविष्य उज्ज्वल होना चाहिए। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।